तो चलिए बात करते हैं परिणीति शो के बारे में। परिणीति में आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर किसी भी हाल में अब नीति को जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि हम अंबिका भी कह रही है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ठोस सबूत नहीं है, इसलिए जेल के अंदर नीति को रखना ये बहुत दिन तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि किस तरीके से अब परिणीति की माँ आ जाएगी पार्वती के पास और हाथ जोड़ कर नीति के लिए भीख मांगेगी और कहेगी कि तुम मेरी बेटी के जैसी हो। यहाँ पर जो है पार्वती से जो है उसकी माँ ही कहेगी कि तुम मेरी बेटी जैसी हो, इसलिए नीति को जेल से बाहर निकलवा लो, नीति भी मेरी बेटी जैसी है। नीति और परिणीत की दोस्ती आपने देखी नहीं, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और दोबारा जब नीति ने तुम्हें देखा तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम परिणीत नहीं हो। यह झोली फैला देती है अपनी नीति के लिए। यहाँ पर परिणीत यही सोचती है कि उसकी माँ जिसके लिए भीख मांग रही है उसी ने उसकी बेटी को मारने की कोशिश की थी। मतलब आपको बता दें कि यहाँ पर अब जो है पार्वती और अंबिका मिलकर ये डिसीजन ले लेंगे कि नीति को बाहर निकलवाएंगे, वो अपनी कंप्लेन वापस लेते हैं। नीति बाहर आती है और आपको बताते चलें कि बाहर आने के बाद भी वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और वो राजीव से लड़ती और कहती है कि तुम्हें मेरे डिसीजन में कोई भी हामी भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ संजीव ये भी कहता है कि तुमने जो गलती की है ना नीति, उसके लिए तुम्हें उम्र भर की कैद भी हो सकती थी, लेकिन वो तो शुक्र मनाओ कि पार्वती और अंबिका ने तुम्हें बचा लिया। यहाँ पर नीति कहती है कि पार्वती नहीं परिणीत। यहाँ पर फिर से संजू कहता है कि तुम फिर से उसी जो है जगह पर अटकी हुई हो। मतलब आपको बता दें कि अब इन लोगों की जो प्लानिंग थी यानी कि अंबिका और पार्वती की, वो प्लानिंग सक्सेसफुल हो रही है क्योंकि दोनों के बीच में जमकर लड़ाई हो रही है यानी कि राजीव और नीति के बीच में, और ये देखकर पार्वती और अंबिका खुश है। और आपको बताते चले कि इन दोनों के बीच में अब दरार पड़ेगा यानी कि राजीव और नीति के बीच में, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि कैसे राजीव जो है अपने बिजनेस में भी लॉस करेगा और इधर नीति जो है वो गुस्से में पागल होती हुई नजर आएगी। देखना दिलचस्प होता है कि आगे शो में क्या होगा। क्या राजीव यानी कि संजू से बदला लेने के लिए पार्वती को उस घर में एंट्री करनी पड़ेगी, उस घर जो है अपने नाम पार्वती कराएगी। देखना दिलचस्प होता है कि बाजवा हाउस जो है वो पार्वती अपने नाम करवाने वाली है। जो भी होगा उसकी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही।